नारसी मुंजी इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट स्टडीज मुंबई। ये ऐसा मत समझ लो ना कि एसआरसीसी में अगर एडमिशन लेना है तो 10+2 होना चाहिए, बस खत्म हो गई बात। 3 languages, 5 domains, 1 general test हो सकता है, ठीक है, मतलब कुछ भी कुछ भी। CUET वर्सेस NPAT, भैया क्या मैं इन दोनों एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर कर सकता हूं, और अगर मुझे किसी एक एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर करना है तो मेरे लिए क्या बेस्ट रहेगा? इतना डिटेल में बात करेंगे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और हम स्टार्ट करने वाले हैं अभी। यह है CUET, देन है NPAT। अगर वेबसाइट की बात करें, आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आपको रिजल्ट चेक करना है, आपको सिलेबस चेक करना है, कुछ भी रिलेटेड अपडेट चाहिए, CUET के लिए आपको जाना पड़ेगा CUET.samarth.ac.in, और NPAT के लिए जाना पड़ेगा NMIMS NPAT.in। डन। फुल फॉर्म कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। कॉमन यूनिवर्सिटी, चाहे इसमें सेंट्रल आए चाहे इसमें प्राइवेट आए, कोई भी आ सकता है। यहाँ पर नेशनल टेस्ट फॉर प्रोग्राम आफ्टर 12th स्टेटस, दोनों ही एंट्रेंस टेस्ट आपको मिलेंगे। एक टेस्ट को ऑर्गेनाइज करता है NTA, दैट इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और ये जो NPAT एग्जाम है ना, ये एग्जाम है यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक, तो ऑर्गेनाइज भी कौन करेगा? यूनिवर्सिटी। नारसी मुंजी इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट स्टडीज मुंबई। फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्ट इन ईयर, दोनों टेस्ट साल में एक बार होते हैं। अच्छा, आपको ना कुछ जगह पर लिखा हुआ मिलेगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कहीं पर लिखा हुआ मिलेगा सेंटर बेस्ड टेस्ट, दोनों का मीनिंग सेम है। अनटिल अनलेस, अगर कहीं पर लिखा है सेंटर बेस्ड ऑफलाइन टेस्ट, ऑफलाइन का मतलब वहां पर पेन पेपर वाला सीन होगा। अगर कहीं पर नॉर्मली लिखा है कि सेंटर बेस्ड टेस्ट, तो समझ जाना सेंटर पर जाना है और कंप्यूटर पर हमें पेपर को अटेम्प्ट करना है, दोनों का मीनिंग एग्जैक्टली सेम है। कॉस्ट ऑफ एनरोलमेंट, देखो जनरल कैटेगरी के लिए 650 रुपीज, फिर 50 रुपीज माइनस कर देंगे OBC, और 50 रुपीज माइनस कर देंगे बाकी सारी कैटेगरीज। यहां पर 2000 रुपीज आपको एंट्रेंस एग्जाम का फीस देना पड़ेगा सिंगल कोर्स के लिए। भैया मुझे तो BBA के साथ BCOM में भी अपीयर करना है तो +1000, भैया मुझे तो लॉ में भी करना है +1000, ऐसा आपका पूरा फॉर्मेट चलेगा यहाँ पर। एज लिमिट, देखो CUET के जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें कोई भी स्पेसिफिक एज गिवन नहीं है कि भाई ठीक है 17 से लेके 30 तक आप अपीयर कर सकते हो, तो अभी के लिए तो नो एज लिमिट। NPAT पर है 17 to 25, अगर आप इससे कम हो या फिर इससे ज्यादा तो इस एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर नहीं कर सकते। वैलिडिटी ऑफ द स्कोर, दोनों ही एंट्रेंस एग्जाम का स्कोर 1 year के लिए आपका वैलिड माना जाएगा। भैया कितनी लैंग्वेजेस में ये एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होते हैं? देखो इंग्लिश में तो कंडक्ट होता है आपका NPAT, और जो CUET है ना, ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एग्जाम। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो हमारी तमिलनाडु में भी है, केरला में भी है, मुंबई में भी है, तो वहाँ पर लैंग्वेजेस डिफरेंट है, तो ये सारी लैंग्वेजेस में वहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट हो सकता है, क्योंकि भाई इंडिया का एंट्रेंस है। ये मेरे साथ बोल दो, CUET एंट्रेंस एग्जाम इंडिया का एंट्रेंस एग्जाम है, तो इंडिया को कंसिडर करते हुए उनको हर चीज़ करनी पड़ेगी। डिफिकल्टी लेवल, देखो दोनों ही मॉडरेटली डिफिकल्ट एंट्रेंस एग्जाम है। यहाँ पर सीट्स ज़्यादा हैं तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह आपको अच्छे खासे मिलेंगे, यहाँ पर अगर सीट्स कम हैं तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपको स्पेशलाइज्ड मिलेंगे, दोनों ही मॉडरेटली डिफिकल्ट। एवरेज टाइम आपका 6 months है प्रिपरेशन का, भैया 4 to 6 months हमें रेगुलरली पढ़ना पड़ेगा। हाँ, कितना पढ़ना पड़ेगा? 6 to 8 hours पढ़ना पड़ेगा। आपको फर्दर बाइफर्केशन चाहिए वो भी है, लैंग्वेज 1 to 1.5 hours, एप्टीट्यूड 1 to 1.5 घंटा, और बाकी जो भी आपके डोमेन स्पेसिफिक है, मेरे साथ बोलेंगे डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, एंटरप्रेन्योरशिप, जो भी आप चूज करते हो उसमें आपको 4 to 5 hours की स्टडी है, तो मतलब क्लास 12th की तैयारी प्लस उसके साथ 2 घंटे और। यहाँ पर आपका एप्टीट्यूड वगैरह आएगा तो उसके तो कोचिंग आप अलग से लोगे, इतना स्टडी तो बनता है। एजुकेशन प्रॉस्पेक्ट्स आफ्टर द एंट्रेंस, भैया मैंने ना CUET क्लियर कर लिया, ठीक है, मैं किस किस कोर्स में एडमिशन ले सकता हूँ और मैं NPAT के थ्रू किस किस कोर्स में जा सकता हूँ? देखो CUET के थ्रू 3 तो हो गए, BA, BCOM, BSc, ये कोर्सेज, BBA, BCA में जा सकते हो, BTech के साथ जितनी भी और टेक्निकल डिग्री है, BSc वगैरह, उन सब में भी जा सकते हो। NPAT क्लियर करने के बाद आप इन डिफरेंट कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो। भैया क्या इनका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो डिफरेंट है कि मुझे अगर BBA में एडमिशन लेना है तो एंट्रेंस में अपियर होना पड़ेगा, लिबरल आर्ट्स में लेना है तो कुछ और एंट्रेंस में अपियर होना पड़ेगा? नहीं, एंट्रेंस एग्जाम सबका कॉमन है, आप स्कोर लेकर आओगे और फिर इन कोर्सेज में से जिसमें आपने अप्लाई किया है उसमें चले जाओगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये एलिजिबिलिटी है CUET में अपीयर होने का,
CUET एग्जाम में जाकर बैठकर अपना पेपर लिखने का एलिजिबिलिटी है। ये ऐसा मत समझ लेना कि SRCC में अगर एडमिशन लेना है तो 10+2 होना चाहिए, बस खत्म हो गई बात। नहीं, वो तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज पर डिपेंड करेगा कि उनका एडमिशन क्राइटेरिया क्या है। ये एडमिशन क्राइटेरिया सिर्फ एंट्रेंस में अपीयर होने का है, 10+2 या फिर आपने अपनी 12th क्लास पास कर लिया हो। यहाँ पर भी सेम केस है, बस एक चीज एक्स्ट्रा है कि 60% मार्क्स और मैथ्स आपके पास होना चाहिए अगर आपको फाइनेंस और मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ना है। ठीक है, इकोनॉमिक्स की डिग्री आप नारसी मुंजी में नहीं स्टडी कर सकते अगर आपके पास मैथ्स अवेलेबल नहीं है। यू वॉन्ट टू डू BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स, ठीक है। अब BA इकोनॉमिक्स अगर पढ़ना है DU से तो आपको मैथ्स चाहिए। अगर आपको पढ़ना है जामिया से तो मैथ्स वहां पर कंपलसरी नहीं है। इसलिए हमने लिखा कि ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सिर्फ अपीयर होने का है, बाकी जितने भी कोर्सेज का एलिजिबिलिटी वगैरह है वो उनकी कॉलेज वेबसाइट पर आपको मिलेगा। CUET एक बार में समझ में नहीं आ सकता, बहुत ही डिटेल्ड एंट्रेंस एग्जाम है, इतना कुछ है ना, हर बार ये लगेगा कि सामने वाले ने गलत बताया क्योंकि हर बार आपको नया पॉइंट पता चलता है। डन। नंबर ऑफ स्लॉट्स, स्लॉट्स मतलब भैया कितने स्लॉट में आपका एग्जाम होगा, एक दिन में कितने टाइम तक आप एग्जाम में रहोगे। दो स्लॉट में एग्जाम होगा, मॉर्निंग 9 AM टू 12:15 PM, इवनिंग 3 PM टू 6:45 PM। NPAT के लिए तो सिंगल ही स्लॉट अवेलेबल है। स्टैंडर्ड ड्यूरेशन देख सकते हो जी, ये रहा 3 hours 15 minutes, 3 hours 45 minutes। अगेन यहाँ पर ये जो स्लॉट 1 स्लॉट 2 है ये आपके अकॉर्डिंग कस्टमाइज्ड होंगे। आपने यहाँ पर चूज किया है सिंगल लैंग्वेज सब्जेक्ट, दो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, तो ड्यूरेशन हो जाएगा अलग। यहाँ पर आपने कुछ और चूज किया तो ड्यूरेशन हो जाएगा अलग, लेकिन ये मैक्स ड्यूरेशन है, इससे लेंथी आप एग्जाम नहीं दे सकते। ठीक है, यहाँ पर है 100 minutes। सिलेबस की अगर बात करें, 1A, देखो तीन सेक्शन है, 1, 2 और 3, क्लियर रहना। सेक्शन 1 में दो ऑप्शन है, 1A और 1B। 1A आपके लिए है कंपलसरी लैंग्वेज पेपर, ज्यादातर बच्चे यहाँ पर इंग्लिश या फिर हिंदी का एग्जाम में अपियर करेंगे। 1B आपके लिए है ऑप्शनल, अगर आप जिस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो उस कोर्स में रिक्वायरमेंट है एक लैंग्वेज सब्जेक्ट की, तब आप इसमें अपियर करते हो, वरना तो आप इसमें अपियर नहीं करोगे। डन। सेक्शन 2 आ गया, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, और 27 है ये। ठीक है, यहाँ पर क्लास 12 तक की आपको NCERT वगैरह मिल जाएगी। और सेक्शन 3 आ गया जनरल टेस्ट, जिसमें करंट अफेयर्स, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 8th क्लास तक का मिलेगा। भैया अब ये जो ये 13, 20 और 27 है ये बता दो ज़रा क्या है। ये रहे 13 लैंग्वेजेस, ये रही 20, ये रही, और डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट ये रहे। कॉमर्स वालों ये लो, अकाउंटेंसी कहाँ गया जी, बिजनेस स्टडीज, IP, इकोनॉमिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप सब है। ठीक है, आपके कॉलेज ने कहा कि भाई आपको अकाउंटेंसी, बिजनेस और इकोनॉमिक्स में अपियर होना है तो आप उसमें अपियर हो जाओगे। आपके कॉलेज ने कहा कोई भी दो में अपियर हो जाओ तो आप उसमें अपियर हो जाओगे। ये सारा का सारा जो सिलेक्शन है वो डिपेंड करेगा आपके कोर्स और आपके कॉलेज पर। NPAT का देख लेते हैं, यहाँ पर 3 सेक्शंस होंगे सिलेबस में, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, रीजनिंग और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, दैट इज इंग्लिश। अब आते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट की तरफ। यार भैया मैंने ना लैंग्वेज के मैं 3 देना चाहता हूँ, यहाँ से भी 3 देना चाहता हूँ, डोमेन के मैं 6 टेस्ट देना चाहता हूँ, नहीं, मैक्सिमम 9 में जा सकते हो अगर CUET में अपियर करना है। कैसे भी कॉम्बिनेशन बना लो, किस भी यूनिवर्सिटी का बना लो, चाहे DU का, चाहे BHU का, चाहे जामिया का, कहीं से भी बना लो, मैक्सिमम 9 टेस्ट दे सकते हो आप CUET में, जिसमें 2 लैंग्वेज, 6 डोमेन या फिर 1 जनरल टेस्ट हो सकता है, 3 लैंग्वेज, 5 डोमेन, 1 जनरल टेस्ट हो सकता है। ठीक है, मतलब कुछ भी, ऐसा नहीं है कि आप हर सेक्शन को कवर करो। अगेन ये डिपेंड करेगा आपकी यूनिवर्सिटी पर। भाई आप तो हर जगह यूनिवर्सिटी बोल रहे हो, यार देखो मेरी बात सुनो, आपकी यूनिवर्सिटी ने कहा कि भी आपको इंग्लिश में अपीयर करना है, आपको अपने 5 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स देने हैं और 1 जनरल टेस्ट देना है, तो आपके लिए कितने टेस्ट हो गए, 7, तो आप 7 कंसिडर करोगे, आपके लिए 9 कोई मतलब ही नहीं रखता। भाई आपकी यूनिवर्सिटी कह रही है 7, तो आप भी 7 में चले गए। तो ये यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करेगा, लेकिन मैक्सिमम लिमिट उन्होंने बना दी। यहाँ पर भी ये मैक्सिमम लिमिट है कि भाई जो भी करना है इसमें से कर लो। डन। मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट फॉर NPAT इज सिंगल। एग्जाम पैटर्न की बात करें, MCQ फॉर्मेट में एग्जाम है CUET, और यहाँ पर भी MCQ फॉर्मेट है, 40 क्वेश्चंस हर एरिया में मिलेंगे, तो टोटल हो गए 120 क्वेश्चन, क्योंकि 3 एरियाज यहाँ पर अवेलेबल हैं। भैया ये जो CUET है इसका थोड़ा सा मुझे एक बार बता दो ड्यूरेशन वगैरह। ये देखो
13 languages, हर language का 50 question आपको मिलेगा, उसमें से 40 attempt करना है और 45 minutes का paper होगा. आपने single language paper में appear किया तो 45 minutes तो यहाँ से आ गए. फिर 27 domain specific subjects हैं, again 50 questions, 40 में आपको attempt करना है, 45 minutes का हर subject. आपने अगर 4 subjects में appear किया है तो 4 4 16 180 minutes का यहाँ से paper हो गया, और general test आपका 60 minutes का है ही. ठीक है, तो 180 और 60 245 minutes है ना भैया. ये क्या बना, ये आपका स्लॉट बना. मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो ये जो स्लॉट था ना यहाँ पे, ये वाला, ये मैक्स था. आपका जो ड्यूरेशन आया है वो आया है ये निकल के. डन. एग्जाम विंडो भैया, 2023 का एग्जाम विंडो क्या था? देखो, रजिस्ट्रेशन डेट था फर्स्ट वीक ऑफ फेब, एग्जाम स्लॉट था 21st में से 31st में, रिजल्ट डिक्लेयर होना है थर्ड वीक ऑफ जून. 1000 टेस्ट सेंटर्स इस बार अवेलेबल है, और जो एडमिट कार्ड है स्टूडेंट्स के, वो उनके रिस्पेक्टिव सेंटर पर एक डेट में मिल जाएंगे. ठीक है, जो दोनों स्लॉट्स हैं वो एक ही दिन में कंडक्ट होंगे. ऐसा नहीं कि एक स्लॉट आज है और एक स्लॉट कल है, दोनों स्लॉट सिंगल डे में कंडक्ट होगा. डन. हाँ ये ना बोल दो. एनपैट एग्जाम होता है 1st अप्रैल से 26 जून में कभी भी. अब भैया कोई एक स्पेसिफिक डेट बता दो यार. देखो वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, स्पेसिफिक डेट बताना. आप यहाँ पर देख लो, इसमें से कहीं पर भी बीच में बम फट जाएगा. ठीक है, कैंडिडेट अपने अकॉर्डिंग एग्जाम स्लॉट को बुक कर सकते हैं, और कैन अपियर फॉर द टेस्ट आफ्टर द 20 डेज ऑफ फर्स्ट अटेम्प्ट. फॉर एग्जाम्पल, आपने ना 21st अप्रैल को अपियर किया, 20 डेज ऐड करो इसमें, अप्रैल पूरा गायब, 10th मई तक, 15th मई को आप दोबारा अपियर कर सकते हो एनपैट एग्जाम में, फीस वगैरह सबमिट करके, और फिर जिस अटेम्प्ट में आपका हाईएस्ट स्कोर होगा उसको कंसिडर किया जा सकता है. डन. दो बार आपका रीअपियर टोटल अलाउड है यहाँ पर. नेगेटिव मार्किंग सीयूईटी में आपको मिलेगी 1/5, और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती ही नहीं है, तो जय माता दी लेट्स रॉक ए, जय माता दी लेट्स रॉक बी, ऐसे कर सकते हो. रिजल्ट का फॉर्मेट देख लेते हैं, तो थोड़ा सा डिफिकल्टी पड़ेगा, ध्यान से समझने की कोशिश करना. मेरी बेस्ट ऑफ दी एबिलिटी में मैं ही आपको समझाने की कोशिश करूंगा. चलो जी, रिजल्ट डिक्लेयर होगा परसेंटाइल फॉर्म में. भैया सीयूईटी में परसेंटाइल तो वही हो गया ना, जैसे हमारे क्लास 12th में 95% मार्क्स आए हैं, तो 95 हमने स्कोर किया है. नहीं, यहाँ पर जो मार्क्स है ना वो थोड़ा सा कैलकुलेट किए जाएंगे एक पर्टिकुलर फेज के अकॉर्डिंग. भैया बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा. देखो, आशीष एक लड़का है जिसने सीयूईटी 2022 फेज 1 में अपीयर किया था, 6 फेज में एग्जाम कंडक्ट हुआ. देखो, एक दिन में एक टाइम पर 16 लाख 20 लाख बच्चों का एग्जाम नहीं हो सकता, तो बॉडी ने कहा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा कि भाई हम कुछ फेजेस में एग्जाम कंडक्ट करेंगे. तो आशीष जो था वो फेज 1 में था. ठीक है, उसने डिफरेंट अपने सब्जेक्ट्स को चूज किया, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश, और ये परसेंटाइल उसके रिजल्ट में आई है. इसका मतलब कि आशीष ने 88% स्टूडेंट से अच्छा मैथ्स एग्जाम में परफॉर्म किया है. ये मेरे साथ इधर, आशीष ने 88% स्टूडेंट से अच्छा मैथ्स एग्जाम में परफॉर्म किया है. दिस इज फेज 1 में. अब फेज 2 में भी बहुत सारे आशीष होंगे, फेज 3 में भी, फेज 4, फेज 5, जितने भी फेज कंडक्ट होंगे, हर फेज के बच्चे का ऐसे स्कोर निकाला जाएगा. फेज 1 का एग्जाम था डिफिकल्ट, फेज 4 का था इजी, तो यहां पर स्कोरिंग थोड़ा नॉर्मलाइज की जाएगी, यहां पर नॉर्मलाइज की जाएगी, नहीं तो बच्चे लड़ने लगेंगे, सर मेरा तो एग्जाम ना डिफिकल्ट था फेज 1, आपने फेज 4 वाले बच्चों को इजी दिया है तो उनको प्रेफरेंस मिलेगा. नहीं, आपका फेज 1 अगर डिफिकल्ट था तो आपका नॉर्मलाइजेशन उस हिसाब से होगा, यहां पर इजी था तो नॉर्मलाइजेशन उस हिसाब से होगा. फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और उसके बाद पता चलेगा कितना स्कोर है. डन. ये थोड़ा सा भी नया कॉन्सेप्ट है, हमें बचपन से आदत क्या है कि भाई 100 में से 85 मार्क्स आए तो 85 हमारे टोटल मार्क्स हो गए. यहाँ पर ये चीज़ डिफरेंट है, थोड़ी सी नई है, वक्त लगाओ गुजरात तो समझ में आ जाएगा. टॉप कॉलेजेस की अगर बात करें, देखो सीयूईटी एग्जाम भैया मैंने क्लियर कर लिया, मुबारक हो, बहुत ही बढ़िया, शानदार. भैया इसके थ्रू अब हम किस किस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं? मिरांडा, हिंदू, लेडी श्रीराम, आत्म सनातम, किरोडिमल, सेंट स्टीफन, SRCC और टॉप यूनिवर्सिटीज़ में, ये सारी आप यूनिवर्सिटीज़ चेकआउट कर सकते हो. जिस यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना है वो सब आपको यहाँ पर मिलेंगे. ठीक है,
टॉप कॉलेजेस अगेन NMIMS में तो एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है, तो उसके जितने भी कैंपसेस हैं वो आपके लिए ओपन हो जाएंगे अगर आप अच्छा स्कोर करते हो तो। अब आ जाते हैं कंपटीशन विद अदर्स। CUET में स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे, 15-20 lakhs, तो कंपटीशन यहाँ पर है थोड़ा सा फियर्स। यहाँ पर है गुड कंपटीशन, भाई CUET जितने बच्चे तो नहीं है, लेकिन कम स्टूडेंट्स हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये एग्ज़ाम पता भी नहीं होता है कि नरसी मुंजी एक यूनिवर्सिटी है मुंबई में, उनका NPET एग्ज़ाम है। तो यहाँ पर कॉम्पिटिशन आपको गुड मिलेगा, फियर्स वाला नहीं मिलेगा, राइट। प्रेशर इन क्लास 11-12 मॉडरेट प्रेशर मिलेगा अगर आप रेगुलर बेसिस पर, अब भाई अपने डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स क्या हो गए, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, ये तो पढ़ ही रहे हो, ये तो अच्छे से कर ही रहे हो। अगर ये कर रहे हो तो बस 1-1.5 घंटा आपको और निकालना है डेली बेसिस पर, ठीक है। तो मॉडरेट प्रेशर है, यहाँ पर प्रेशर थोड़ा सा हो जाता है क्योंकि टेस्ट ना कई बार बोर्ड एग्जाम से पहले भी है, ठीक है। तो बच्चे के बाद प्रेशर में आ जाते हैं और बोर्ड एग्जाम भी है, मुझे एंट्रेंस के ऊपर प्रिपरेशन करना है, तो कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। पास क्राइटेरिया देखो यार, JEE एंट्रेंस है, नीट एंट्रेंस है। अब इन दोनों एंट्रेंस एग्जाम में कोई पास हो गया तो क्या फर्क पड़ रहा है, हो जाओ भाई पास पास खेल लो, लेकिन मेन तो यहाँ पर रैंक लाना है ना, जितना अच्छा रैंक आएगा उतना अच्छा कॉलेज मिलेगा। तो पास का कोई क्राइटेरिया मतलब ऐसा फ्रूटफुल होता नहीं है, तो ऐसे यहाँ पर है 50% पासिंग क्राइटेरिया है, लेकिन इससे होगा क्या, अगर टॉप कॉलेज नहीं मिला तो पास का कोई फायदा है ही नहीं, तो ये एक तरीके से इनवैलिड हो जाता है, लेकिन बताना जरूरी है। यहाँ पर भी मेरिट पर डिपेंड करेगा आपके नरसी मुंजी यूनिवर्सिटी में। पास परसेंटेज देखो 25,000 के आसपास सीट से सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टेट वगैरह में मिला के जो CUET का स्कोर कंसिडर करेंगे। एप्लीकेंट्स 2022 में थे 14.90 lakhs और अपीयर हुए थे इतने, तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा मैथ्स कर लेना कि 25,000 डिवाइड बाय 10 lakhs इंटू 100, ये आपका पासिंग परसेंटेज थोड़ा सा गड़बड़ तरीके से आ जाएगा, ठीक है जी। ये आप टोटल चेकआउट कर सकते हो, मेल फीमेल रेशियो भी यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। स्कोर इज एक्सेप्टेड है, भैया मैंने CUET बहुत अच्छे से कर दिया, 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आपका स्कोर एक्सेप्टेड है, आई रिपीट 44 CU सेंट्रल यूनिवर्सिटी, DU में अकेले 100+ कॉलेजेस हैं, सब में आपका स्कोर एप्लीकेबल होगा। तो ऐसी 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, थोड़ी सी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, इन सब में आपका स्कोर चलेगा CUET एग्ज़ाम का। यहाँ पर तो एक पर्टिकुलर, आपको पता है एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस है, तो वहीं पर बस ये एंट्रेंस का स्कोर चलेगा। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो लोकल और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, वो NPET का स्कोर कंसिडर कर लेती है कि भाई बच्चे ने किसी एंट्रेंस एग्जाम में तो अपेयर किया है, तो कुछ फ्यू प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आपको मिल जाएंगी। डन। CUET स्कोर एडमिशन गारंटी नहीं करता, क्यों? देखो मेरी बात सुनो, 75% आपने स्कोर किया, अच्छी बात है, लेकिन जिस कोर्स में आपको जाना है वहाँ पर 85% के आसपास का क्राइटेरिया जा रहा है। काउंसलिंग में आपको कॉलेज मिला ही नहीं, आपका कोर्स आया ही नहीं, तो ये 75% इनवैलिड हो गए, हर एक में आपके 75 थे। और किसी और कोर्स में 60% चल रहा था और किसी बच्चे का आया 65%, तो उसका उसमें हो गया। अब बात समझ रहे हो, मतलब आपका स्कोर यहाँ टोटल कोर्स पर डिपेंड करेगा। भाई आपने बहुत अच्छा स्कोर किया और कोर्स मिला नहीं, तो ये अच्छा स्कोर एक तरीके से इनवैलिड है, ठीक है। तो ये टोटली CUET का स्कोर एडमिशन गारंटी नहीं करता कि भाई ठीक है भैया मैंने ना 90% दिखा दिया अपने पूरे रिजल्ट में, अगर कॉलेज का कट ऑफ कुछ और आया है वहां पर काउंसलिंग में नहीं आया तो फिर यूजलेस है स्कोर, कहां क्या करोगे इसका, राइट। तो टोटली डिपेंड करेगा आपकी यूनिवर्सिटी और कॉलेज पर, क्या एडमिशन। कोचिंग इंस्टीट्यूट, CUET अभी ना नया एंट्रेंस एग्जाम है, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं कब, ऑनलाइन में तो आ गए बहुत सारे, तैयार थे, भरे पड़े थे बेचारे कि भाई ठीक है जैसे CUET आए धां धां चैनल्स बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेगा, सब ने तैयारियां स्टार्ट कर दी। ऑफलाइन वर्ल्ड में आपको अभी CUET के एंट्रेंस कम मिलेंगे, जैसे JEE नीट के आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स मिलते हैं ना, CUET के कंपैरेटिवली कम है। और नरसी मुंजी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम है, थाउजेंड्स में बच्चे आते हैं, राइट, लैग भी टच ही करते हैं, तो उस वजह से स्टूडेंट कम है तो एंट्रेंस एग्जाम भी आपको कम मिलेंगे। भैया CUET हो गया क्लियर, सारी टेंशन खत्म, अब मुझे करना क्या होता है, वेबसाइट पर जाओगे यूनिवर्सिटी की, वहाँ पर आप थोड़ा सा काउंसलिंग पोर्टल के लिए रजिस्टर करोगे, थोड़ा सा मतलब पूरा ही करोगे यार, फीस वगैरह सबमिट करोगे, डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे, आपकी ईमेल आईडी पर एक रजिस्ट्रेशन वगैरह नंबर आएगा और आप काउंसलिंग राउंड में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दोगे। फर्स्ट काउंसलिंग राउंड कॉलेज मिल गया नहीं मिला, सेकेंड थर्ड ऐसे ऐसे राउंड्स चलते हैं, उसमें फिर आपको कॉलेजेस अलॉट होते हैं,
डन। अच्छा आपने ना दिल्ली यूनिवर्सिटी काउंसलिंग राउंड में फिल ही नहीं किया था, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हाथ में है अब कि आपको एडमिशन दे या ना दे। एक ना प्रेफरेंस लिस्ट बनती है, प्रेफरेंस लिस्ट में आपसे कहा गया कि भाई 5 यूनिवर्सिटीज़ भर दो जिसमें आप जाना चाहते हो, तो आपने DU, BHU और जामिया नहीं भरा, जामिया भूल गए, ये कुछ भी गड़बड़ हो गया, और फिर आपको जामिया में एडमिशन लेना है, पॉसिबल नहीं है। यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है, इनका कोई नोटिफिकेशन आ गया कि भाई ठीक है जिसने प्रेफरेंस लिस्ट में हमारा नाम नहीं लिया था हम उसको भी एडमिशन देते हैं, तब तो हो गई बात अलग, लेकिन जामिया के हाथ में फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा सा प्रेफरेंस लिस्ट वगैरह का आपको काउंसलिंग के टाइम पर ध्यान रखना पड़ेगा। बेस्ट केस सिनेरियो, देखो भैया सब कुछ हो गया, अब बेस्ट का मतलब क्या, देखो CUET में बढ़िया स्कोर आ गया, आपका मनपसंद कॉलेज विद मनपसंद कोर्स मिल गया, आप अच्छे से पढ़ रहे हो और अपना फ्यूचर में क्रैक कर रहे हो, जिंदगी प्लेसमेंट वगैरह हो रहा है, यहाँ पर NPAT में टॉप रैंक आ गई, डिजायर्ड कॉलेज कैंपस और कोर्स के साथ आपको मिल गया अच्छा खासा प्लेसमेंट हो गया। अब भैया बेस्ट तो होता नहीं है कभी भी जिंदगी में, जिंदगी का मजा तो खट्टे में, इसलिए हम गोलगप्पे खाते हैं। तो वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, केस वन, देखो CUET हुआ है लेकिन कुछ लो रैंक के कॉलेजेस मिले हैं, कोई बात नहीं एडमिशन लो अपने फ्यूचर पर काम करो। केस टू, एवरेज स्कोर आया है और ऐसा कॉलेज मिला है कि बस मिल ही गया, बस मतलब ऐसा है कि अगर मुझे ऑप्शन मिले कोई और का तो मैं तुरंत चेंज कर लूँगा, वो वाला कॉलेज है, कोई बात नहीं अपने 2-3 सर्टिफिकेशंस करो, 2-3 इंटर्नशिप्स करो, अपनी ज़िंदगी को ट्रैक पर रखना। अगर यहाँ पर हल्का सा भी सेकेंड ईयर के आसपास वो जो मस्ती का टाइम आता है उसमें बिखर गए तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। और केस थ्री है कि भैया स्कोर बहुत ही कम है, मतलब एक तरीके से फेल ही हो गए, आपको CUET के थ्रू किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, कोई बात नहीं आप प्राइवेट कॉलेजेस में जाओ जहाँ पर आपके क्लास 12th के मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन होता है, वहाँ पर पहले दिन से मेहनत करो, कंसिस्टेंट अपने एफर्ट्स लगाओ, वहाँ के टीचर से बात करो कि भाई ठीक है अगर मेरे को अपना करियर शेप करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, सोशल मीडिया पर एक्टिव हो, 2-3 साल इज़ मोर देन इनफ एक अच्छा करियर शेप करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर वर्स्ट केस, आपने NPAT क्लियर कर लिया लेकिन अच्छा स्कोर नहीं आया, कोई बात नहीं टेक द कॉलेज अलॉटेड, मेहनत करो अपने आप को अपस्किल करो और हायर स्टडीज़ की तैयारी करो, ठीक है। एट द एंड क्या होता है, बस आपको पता ही है कि भैया NPAT भी यहाँ पर जो है ये क्लियर नहीं हुआ मेरा वर्स्ट केस में, तो भैया NPAT की जगह फिर आप भी प्राइवेट कॉलेज में जाओ, वहाँ पर जाकर थोड़े से हाथ पैर मारो, देखो ज़िंदगी कैसे कैसे चलेगी, 1-2 ईयर्स में आपको समझ में आ जाएगा मेरा करियर गोल सब क्या है, राइट इसी के साथ ये वीडियो होती है फिनिश। आई होप थोड़ी नहीं बहुत क्लैरिटी आपको हुई होगी, हाँ कुछ नया है तो थोड़ा सा लग सकता है कि भैया ये क्या हुआ ये क्यों हुआ, आप समझा नहीं पाए, एक बार दोबारा देखोगे ना सब कुछ समझ में आ जाएगा। मेरा नाम है सार्थक, मैं हूँ एक करियर एजुकेटर, इस चैनल पर आपको कॉमर्स करियर और कॉमर्स कॉलेजेस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।